नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग खासा चिंतित नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसको लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी बीच डेंगू के साथ साथ कई जिलों में खांसी और वायरल फीवर के मरीज भी इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य में इस वक्त डेंगू के 7000 मरीज हैं। और ब्रजेश पाठक ने कहा कि इन मरीजों के इलाज के लिए प्लेटलेट्स, रक्त और बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई अस्पतालों में व्यवस्थाओं की तस्वीर साफ नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लगातार डेंगू से कराहा रहा है। राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लखनऊ, कानपुर, बरेली और बदायूं समेत तमाम महानगरों में गंभीर हालत में बड़ी संख्या में डेंगू मरीज भर्ती हैं। निजी अस्पतालों में भी प्लेटलेट कम होने के चलते मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। प्रदेश के तमाम जिलों में डेंगू स्प्रेडर का रुख ले रहा है। गली मोहल्लों में तमाम लोग इसकी चपेट में हैं। वहीं कई ऐसे हैं जिनकी प्लेटलेट्स तेजी से गिर रही है। वहीं एक्सपर्ट्स लापरवाही बरतने पर आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की बात कर रहे हैं। कानपुर में डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 22 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। अब डेंगू का डंक लगातार घातक होता जा रहा है। इतना ही नहीं, अब डेंगू के मरीजों की हालत भी गंभीर होती जा रही है। यूपी में बारिश के साथ साथ डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। राजधानी लखनऊ में अलग अलग क्षेत्रों में लगातार नए मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं। शनिवार को 3 नए डेंगू के मरीज पाए गए हैं, जिसमें से एक पुरुष और एक महिला इंदिरानगर में, तो वहीं एक पुरुष अलीगंज में डेंगू से ग्रसित पाया गया। पिछले 4 दिनों में 10 मरीज डेंगू से ग्रसित मिल चुके हैं। वहीं बदायूं में म्याऊं ब्लॉक के गांव बिलहरी में 4 दिन में एक महिला ग्राम पंचायत सदस्य समेत 2 की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के अनुसार उन्हें बुखार आया था, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजन डेंगू वजह बता रहे हैं। मृतकों में से 2 लोगों को प्राइवेट लैब ने डेंगू पॉजिटिव की पुष्टि की है। इधर गांव के कई अन्य लोगों को भी बुखार बताया जा रहा है। उजानी में भी 2 लोगों की मौत हुई है। बात बरेली की करें तो मलेरिया और डेंगू का प्रकोप वहां पे भी बढ़ता जा रहा है। रोजाना नए मरीज मिल रहे हैं। मलेरिया के रोज औसतन 40 मरीज मिल रहे हैं। इससे मरीजों का आंकड़ा 2200 के पार पहुंच चुका है। वहीं सीएमओ का कहना है कि मलेरिया नियंत्रण के सभी प्रयास जारी हैं। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग खासा चिंतित नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसको लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी बीच डेंगू के साथ साथ कई जिलों में खांसी और वायरल फीवर के मरीज भी इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि राज्य में इस वक्त डेंगू के 7000 मरीज हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मरीजों के लिए इलाज के लिए प्लेटलेट्स, रक्त और बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन यूपी में अस्पतालों में अव्यवस्था कुछ और ही बयां कर रही है। अब देखना ये होगा कि यूपी वासियों को इन व्यवस्थाओं के बीच डेंगू और मलेरिया से कब तक राहत मिल पाएगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। डेंगू और मलेरिया के मरीज आपको बता दें कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्थाओं को भी लगातार देखा जा रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अगर बात करें डेंगू मलेरिया की, तो डेंगू मलेरिया के मरीज तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ वायरल फीवर के भी काफ़ी मरीज देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अंदाज़ा भी नहीं लग पाता है कि उन्हें डेंगू मलेरिया है या वायरल फीवर है। अस्पतालों का रुख नहीं करते, उसके बाद कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स में कमी, रक्त की कमी, ऐसी बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मरीजों को अस्पतालों में भी कई परेशानी हो रही है। बेड नहीं मिल पा रहे हैं, प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रहे हैं, रक्त की कमी अस्पतालों में देखी जा रही है। जानलेवा बन रहा है डेंगू मलेरिया, और आज हम इसी पर बातचीत भी करेंगे।
नगर निगम हमारे साथ संवाददाता भरत शेट्टी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ चीरव चौधरी भी जुड़ चुके हैं। भरत, अगर हम बात करें लखनऊ की तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? हालांकि अस्पतालों की बात करें तो कई अस्पतालों से ऐसी खबरें हैं कि प्लेटलेट्स की कमी जो है वो देखी जा रही है, रक्त नहीं मिल पा रहा है लोगों को। इसको लेकर अभी फिलहाल क्या अपडेट है, कितनी तैयारियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं धरातल पर? देखिए, निश्चित तौर पर जब बारिशें आती हैं तो उसके बाद तमाम जो बीमारियां हैं उसका ग्राफ बढ़ जाता है। अगर बात करें मलेरिया के वायरल की, चाहे बात करें डेंगू की, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक माना जाता है वो डेंगू माना जाता है। डेंगू कई बार कई लोगों की जान ले चुका है। और अब बात करें राजधानी की, तो डेंगू के कई मामले राजधानी में बढ़ने लगे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में 9 नए मामले आए, जिसमें इंदिरा नगर केन्द्र में 3 लोग डेंगू की चपेट में आए, और अगर बात करें आलमबाग नगर की, वहां 2 लोग और अलीगंज में 1 लोग, यानी कि 24 घंटे के अंदर 9 लोगों डेंगू की चपेट में आए हैं और 9 लोगों की पुष्टि हुई है। ये वो तो है 9 लोग जिन्होंने अपनी जांच करवाई थी और जांच में डेंगू निकला। तमाम ऐसे लोग हैं जो जांच भी नहीं करवाते हैं और आखिर से तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, इससे पहले ही अजित पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा निर्देश दे दिए थे कि जो तमाम जो हॉस्पिटल में इंतजाम हो वो होने चाहिए, और एक रूम पर्टिकुलर वार्ड क्या होना चाहिए जिसको डेंगू वार्ड नाम दिया चाहिए। हर साल डेंगू जब आता है तो डेंगू वार्ड हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं और बेड इधर हो जाता है और रक्त की कमी ना हो, तमाम जो चीजें हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें पेशेंट को लेकर, उसके लिए अब विशेष तौर पर पहले ही तैयारी कर ली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ग्राफ बढ़ता है, मरीजों की संख्या में इजाफा होता है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था फिर बिगड़ने लगती है। अभी अगर लखनऊ की बात करें, कई ऐसे मामले हैं लखनऊ में जो हॉस्पिटल्स में है, कुछ लोग अपने घर पर रह के डेंगू का इलाज करवा रहे हैं। इस समय फिलहाल हम राजधानी लखनऊ के हॉस्पिटल में है, लोकबंधु हॉस्पिटल में, आपको वहां की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये वार्ड है, ये देख सकते हैं किस तरीके से वार्ड में मच्छरदानी लगी हुई है, जो पेशेंट्स हैं वो वार्ड के अंदर है बैठे, उनको बेड रिजर्व किया गया है और बकायदा उनको मच्छरदानी के अंदर लटाया गया, कोई समस्या किसी प्रकार की ना हो वो फिलहाल पूरा इंतजाम कह सकते हॉस्पिटल के अंदर किया गया है। हम यहाँ पर मैम से बात करेंगे, मैम किसी प्रकार की कोई समस्या तो यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि जब यहाँ पे इलाज प्रॉपर मिल रहा है लोगों को, कोई समस्या तो नहीं हो रही है? डॉक्टर राउंड मार रहे हैं क्या? ब्लड टेस्ट कितनी डी डाउन हो गई नहीं क्या? देखिए, प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी, डॉक्टर जो है कंटिन्यू राउंड पर है, तमाम जो टीम्स है यहाँ पर कहीं ना कहीं राउंड मारती रहती है। मैं आप भी यहाँ पे हो क्या, पेशेंट आपका यहाँ पे है, डेंगू हो गया था, क्या दिक्कत आ रही थी? और क्या डॉक्टर्स डाउन कर रहे हैं कंटिन्यू, कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? अच्छा, डॉक्टर्स भी कहीं राउंड पे आ रहे हैं, चेकअप हो रहा है, प्रॉपर इंतजाम अगर कह सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर इंतजाम है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जहां पर जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और उसके बाद वो लोग लखनऊ की तरफ रुख करते हैं और लखनऊ में अपना इलाज करवा रहे हैं, इलाज बेहतर हो रहा है, सारे इंतजाम किए गए। अब देखना ये होगा कि अगर लगातार मामले जो बढ़ते हैं, ग्राफ अगर बढ़ता है, उसके बाद क्या सामने बातें आती हैं। नगर निगम क्या अपना काम कर रहा है, फॉगिंग की जा रही है जगह जगह पर, जागरूकता को लेकर भी क्या व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, नगर निगम काम जरूर कर रहा है, वो भी सिर्फ कागजों पर। अगर जमीनी हकीकत की बात करें, अभी तक बहुत से तमाम ऐसे इलाके बाकी है जहां पर किसी प्रकार की फॉगिंग नहीं हो रही है, किसी प्रकार का छिड़काव नहीं हो रहा है। लेकिन कागजों पर बात करें, तमाम बातें ऐसी होती हैं, जब नगर निगम के अधिकारियों से बात की जाती है तो पूरे लखनऊ में तमाम इंतजाम किए गए हैं, घरों में नोटिस दिए गए हैं, कुछ एरिया पर्टिकुलर एरिया में जाती है नगर निगम की टीम, प्रशासन की टीम जाती है वहां पर, नोटिस भी जारी करती है घर में अगर गंदगी पाई जाती है, पानी भरा हुआ जाता है। लेकिन अगर बात करें प्रॉपर तरीके से राजधानी के, अभी तमाम ऐसे जो क्षेत्र है जो वंचित है, जहां पर किसी तरीके का छिड़काव नहीं हुआ है, यही अगर हाल रहा तो ये नहीं कहना गलत नहीं होगा, आने वाले समय में जो मामले हैं वो बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं जब मामले बढ़ेंगे तब जो व्यवस्था है वो बिगड़ेगी। नगर निगम कागजों पर कार्रवाई करता है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि बारिशें हर साल आती है और हर साल जो डेंगू का ग्राफ है वो भी बढ़ता है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं मामलों का बढ़ना निश्चित तौर पर ये देखा जाता है। और आने वाले समय में अगर ऐसी ही लापरवाही रही तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ग्राफ जरूर बढ़ेगा। जी,
ठीक है भरत, वापस आएंगे। शेरब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेरब, अगर हम बात करें तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है डेंगू मलेरिया को लेकर, अस्पतालों का क्या रुख है, कितने ज्यादा जिम्मेदार अस्पताल नजर आ रहे हैं इस बीमारी को लेकर? जी जी बताइए, अगर अमरोहा जिला अस्पताल की बात की जाए तो हर दिन 150 के लगभग जो बुखार के मरीज हैं वो अमरोहा के जो जिला अस्पताल है उसकी तरफ को रुख कर रहे हैं। और जो यहाँ पे लगभग मंगलवार से अगर रिपोर्ट देखें तो 1921 मरीजों की ओपीडी हुई थी, जिसमें जो 174 मरीजों को लगभग बुखार की दवाई देके और उन्हें भेज दिया गया था। लगातार जो है वो डॉक्टर इस प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति के बाद में जो है वो पूरी तरह से जो है अलर्ट हैं, और जो यहाँ के सीएमओ हैं उन्होंने भी साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि जिला अस्पताल में जाके जो अव्यवस्थाएं हैं वो उन पे पूरी तरह से गौर करें डॉक्टर। और इसी इसी पर इसी क्रम में जो है जो डॉक्टर हैं वहाँ पे लोग जो रोज मरीज आ रहे हैं उनकी लगातार ओपीडी हो रही है और लगातार उन्हें उनकी जांच, मलेरिया की जांच, डेंगू की जांच, बुखार की जांच, ये सारी चीजें रोज हो रही है इन जांचों में। लेकिन ज्यादातर मरीज जो अगर अमरोहा की बात की जाए तो उसमें डेंगू के अभी जो वार्ड में लगभग 4 मरीज जो अब देखे जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लगभग सैकड़ों की संख्या में रोज जो बुखार से पीड़ित है वो अमरोहा का रुख कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ भी ग्रामीण एरियो की बात की जाए, जो सीएचसी हैं ग्रामीण एरियो में उनमें अभी तक कोई ऐसी जागरूकता नहीं देखी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे लगभग कोई ऐसा खास इंतजाम नहीं है। इसी वजह से जो जितने भी मरीज हैं वो जिला अस्पताल की तरफ से जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण एरियो में अभी इसकी पूरी तरह से भरपाई नहीं हो पा रही है। जी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर बात कर रहे हैं आज हम मुद्दे की बात में डेंगू और मलेरिया के रूप चर्चा इसी पर। हमारे साथ शीरब अमरोहा से जुड़े हुए हैं। अमरोहा की अगर हम बात करें यहाँ पर तो फॉगिंग वॉगिंग की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जागरूकता को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? शीरब शीरब सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बता दें अगर अमरोहा की बात की जाए। कंटिन्यू करिए शीरब। ठीक है, वापस आते हैं और बता दें आपको कि डेंगू मलेरिया के मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। डेंगू मलेरिया के अलग वार्ड्स बनाए गए हैं, मच्छरदानी लगाई गई है, साथ ही साथ प्लेटलेट्स और रक्त की कमी ना हो उसको लेकर खास कर ध्यान दिया जा रहा है। और हमारे साथ एमओआईसी से डॉक्टर सतीश चंद्र भास्कर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका। बात करें डेंगू मलेरिया के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और सबसे पहले तो क्या कुछ इनके लक्षण हैं उन पर मैं चाहूंगी कि आप जरा जानकारी साझा करें। सतीश जी आवाज आ रही है? हाँ मैडम आ रही है। नमस्कार मैडम जी। जी हाँ मैडम, जो आजकल बहुत ज्यादा डेंगू मलेरिया चल रहा है, इसके जो लक्षण है थोड़ा हाई ग्रेड फीवर होता है, रात में ठंड लगती है बहुत ज्यादा पेशेंट को, तो चिल्लाहट के साथ में। देखिए प्रॉब्लम ये है ना सतीश जी, ठंड लगती है ये वायरल फीवर के भी लक्षण है, ठंड लगती है ये डेंगू। नहीं देखो, सबसे चल रहा वायरल फीवर मैडम, पर जब उसको डायग्नोस करते हैं तो उसमें लगता है एमपी मलेरिया पॉजिटिव आ रहा, किस चीज पे सर, एनाफिलेक्स के कारण या क्या है, मलेरिया अस्पतालों में कितनी व्यवस्था नजर आ रही है इसको लेकर, कितना ज्यादा अस्पताल अलर्ट मोड पर है? मैंने हमने अपने वहाँ पर अस्पताल में 6 बेड का मच्छरदानी लगा दी है, डेंगू वार्ड अलग से बना दिया है उसके लिए, और उसके लिए अलग से स्टाफ ने सबने व्यवस्था कर दी, स्टाफ एक डॉक्टर अलग से लगाया उनकी देखरेख के लिए,
और उनकी जांच और उनकी सब कुछ इन्वेस्टिगेशन समय समय से हो, उनकी दवाई सुचारू रूप से हो। सतीश जी, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है? अब कोई भी देखो, एक तो फुल बाजू की शर्ट पहने, हाफ बाजू शर्ट ना पहने, और आस पास जल इकट्ठा ना होने दे, पानी इकट्ठा ना होने दे, और जहाँ भी छतों पर पानी इकट्ठा हो, गमलों में या किसी चीज में, उनको खाली कर दें, और कूलरों में वहाँ पर पानी खाली करके उसको हफ्ते में एक बार कुछ कुछ का साफ करें उसको पूरी तरह से। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। भारत, अगर हम बात करें कि नगर पालिका, जैसे कि आपने कहा कि कागजों पर ही काम हो रहा है, ये धरातल पर काम हो, इसके लिए क्या अलग से मुख्यमंत्री को, हर नगर निगम अधिकारी को फोन करके कहना पड़ेगा? क्योंकि जगह जगह से यही अपडेट मिल रहा है कि नगर पालिका हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, कोई काम नहीं करना चाहता। देखिए निश्चित, जब नगर निगम के ऊपर कार्रवाई होती है, जब ऊपर से पड़ताल लगती है, तब वो कार्रवाई करने के लिए या अपने जब होती है तब वो लोग फील्ड पर उतरते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें, जब बीमारियां आती हैं उससे पहले कहा जाता है कि इंतजाम करने के लिए तमाम जो प्रचार प्रसार सरकारी किए जाते हैं कि कैसे किस तरीके से बीमारियों आने पर जो बीमारियां उसके बताया जाता है, लोगों को तमाम तरीके के प्रचार होते हैं। नगर निगम भी जाकर साफ सफाई की बात होती है, साफ सफाई नाली तमाम जो जल भराव उसको दूर करता है। लेकिन ऐसी जो स्थिति है वो लखनऊ में देखनी जाती है। लखनऊ के तमाम ऐसे एरिया है जो वंचित है नगर निगम के काम से, और तमाम ऐसे एरिया जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, जहाँ पे वहां तो नगर निगम की टीम पहुंच कर वहां से कॉल जाती है, तमाम तुरंत नगर की निगम की टीम पहुंचती है और छिड़काव होता है, हर चीज होती है। लेकिन कुछ जहाँ पे लोगों के पास होती होता है, जो आम जनता होती है, उन तक पहुंचने में नगर निगम का काफी समय लग जाता है, जिस कारण ये जो बीमारी है एक विकराल रूप ले लेती है। बारिशों का दौर चल रहा है, सितंबर माह में अभी लगातार 2 से 3 दिन से बारिश हो रही है, तमाम ऐसे एरिया है जहां पर जल भराव हो चुका है, उसके लिए भी कई टीम्स हैं नगर निगम की नहीं पहुंच पाती वहां पर। क्यों नहीं पहुंचती है? कागजों की कार्रवाई के लिए खाली ये नगर निगम की जो टीम है वो बनाई गई है। नगर निगम की नई मेयर है सुषमा खरकवाल, जिनसे जिन्होंने जब मेयर का चुनाव जीता उनसे पहला प्रश्न यही था कि आपके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि बारिशें आने वाली है। उन्होंने कहा था कि जल भराव की जो समस्या उसको दूर किया जाएगा, नाले की साफ सफाई होगी, नाले की साफ सफाई हुई, जल भराव की समस्या को दूर किया गया। लेकिन बारिश आने के बाद जो समस्या है वो तस्कीमत बनी रही, जल भराव की स्थिति तस्कीमत बनी रही, वीवीआईपी एरिया मुख्यमंत्री आवास जैसे रोड पर 10 नंबर वाली रोड जो है वो भी जल भराव वहां पे असर देखा गया। अब नगर निगम की टीम जागेगी नहीं तो समस्याएं जरूर निश्चित तौर पर और समस्याएं पैदा होंगी। नगर निगम की टीम को चाहिए हर गली में, जो अभी कुछ ऐसे क्षेत्र है राजधानी के जो अभी जल्द ही नगर निगम के अंतर्गत आए हैं, वहां पर तो नगर निगम की टीम पहुंच ही नहीं पा रही। अगर गोमती नगर की बात करें, आउटर की बात करें, भरवाड़ा की बात करें, वहां पे जो पार्षद है वो जीती है, लेकिन पार्षद 100 दिन लगभग हो चुका है, अभी तक क्षेत्र में नजर नहीं आई है। आखिर काम हो रहा है, क्या हो रहा है, पार्षद की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। पर फिलहाल अगर बात करें, तमाम ऐसे एरिया है, कई ऐसे एरिया है जो नगर निगम के जिस ढंग से अगर वहां पर अगर बीमारी बढ़ती है तो ये निश्चित तौर पर ये कह जाना गलत नहीं होगा कि नगर निगम की लापरवाही थी, जिस कारण यहाँ पर तमाम जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो डेंगू के साथ साथ वायरल फीवर है, तमाम ऐसे फीवर है, इंफेक्शन है, कहीं ना कहीं गंदगी से भी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। नगर निगम की टीम तमाम इलाकों में जा रही है, लेकिन अभी भी कह सकते हैं 70-80% ऐसे एरिया है जहाँ पर नगर निगम की टीम नहीं जा रही है, नोटिस नहीं भेज रही है, जांच नहीं कर रही है घर घर जाकर, जो कि जिम्मेदारी बनती है नगर निगम की, घर घर जाकर जांच करनी चाहिए क्या वहां पे जल भराव की समस्या तो नहीं है, क्या गंदगी तो नहीं पनप रही है, तमाम चीजें एक बार देखना जरूरी है। जब फटकार लगाई जाती है जिसने ब्रिजेश पाठक द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा, जब ऊपर से अधिकारी फटकार लगाते हैं तब थोड़ा बहुत एक्टिव मोड पर दिखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर स्थिति जो है फिर साफ तौर पर देखी जाती है। जी ठीक है, सतीश जी, अगर हम बात करें तो डेंगू और मलेरिया में क्या डिफरेंस है? मैडम, डेंगू और मलेरिया में काफी अंतर है, क्योंकि जो डेंगू के लक्षण थे उसमें जो ना हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो काफी कम होती चली जाती हैं, जबकि मलेरिया में ऐसा नहीं है ना। और मलेरिया में जो होता है रात को ठंड लगती है, डेंगू में ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है रात में, और डेंगू में इस तरह का फीवर नहीं होता, और डेंगू में थोड़ा रेशिस होते हैं बॉडी पर, मलेरिया में रेशिस नहीं होते। ठीक है, शीरब अमरोहा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जल भराव की समस्या है वो क्या देखने को मिली, और आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की है इसको लेकर? सर, जो हमारे सीओ साहब हैं बड़े बहुत ही मतलब लगनशील हैं और मेहनती आदमी हैं, उन्होंने जगह जगह डेंगू के लिए सबको, सर जितने भी हमारे MOIC हैं 6 ब्लॉक में सबको निर्देश दिए, जितने भी एडीसी हैं
कि सब अलर्ट रहें और सब अपने अपने वार्ड मतलब वार्ड बनाए, सब मच्छरदान लगाएं और दवाओं की किसी तरह की कोई दारो साइड से जो हमारे जो फॉगिंग कराएं, सब हमारे पास सब पर्याप्त मात्रा में दारो साइड है, उसकी तरह जगह जगह फॉगिंग करा रहे हैं हम भी, और सब सारे मवेशी हमारे फॉगिंग करा रहे हैं जिससे मच्छरों को मतलब बचाया जा सके, डेंगू से बचाया जा सके। शीरब बोलिए। अपनी बात को पूरा करिए, अनम्यूट कीजिएगा। जी बिल्कुल। तो अमरोहा हमें जो स्थिति देखने को मिल रही है, लगभग यहाँ पे अभी भी जो है वो जो वायरल फीवर है उसकी लगातार मरीजों की संख्या आती जा रही है, और स्थिति यह है कि अगर जैसे फिर बारिश का एक दौर शुरू हो गया है, अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो फिर पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो इसमें मच्छर पैदा जरूर होंगे और फिर इससे और भी ज्यादा जो है मरीजों की बढ़ने की आशंका रहेगी। हालांकि जो है जो जिला अस्पताल में है, जब एक कैपेसिटी से ऊपर मरीज हो जाते हैं तो उसमें मरीजों की जो स्थिति है वो जो अव्यवस्थाओं की वजह से स्थिति होती है वो खराब होती जाती है, क्योंकि जो है एक जितना यहाँ की संख्या है पूरे अमरोहा की, उसमें लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने से जो है वो दिन ब दिन अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो बदतर होती चली जाएगी। हालांकि डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, डेंगू वार्ड में जो है जो डेंगू से पीड़ित है उन मरीजों को रखा गया है, और लगातार ओपीडी में जो है वो जो जांचें होती हैं रोज वो चल भी रही है, बुखार की भी मलेरिया की भी डेंगू के लिए। लेकिन बस यही है कि अगर इसमें जो है पूरी तरह से मच्छरों से अगर बचाव नहीं किया गया तो ये जो डेंगू और मलेरिया के मरीज हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब मुद्दे की बात में, आज हम बात कर रहे थे डेंगू मलेरिया की, जहां पर डिप्टी सीएम हो या मुख्यमंत्री हो लगातार निर्देशित कर रहे हैं ताकि अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहतर कर सके। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।